हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम फेस जोन के इस एपिसोड में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बारे में जानने वाले हैं, जिनका जन्म 10 नवंबर 1848 कलकत्ता और स्वर्गवास 6 अगस्त 1925 बैरकपुर। कार्यक्षेत्र स्वाधीनता सेनानी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी थे। वे ब्रिटिश राज के दौरान सबसे शुरुआती नेताओं में एक थे। उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत के प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों में एक था। आगे जाकर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बने। वे राष्ट्रगुरु के उपनाम से भी जान गए। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कांग्रेस के उन नरमपंथी नेताओं में शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन का सदैव विरोध किया और देशवासियों के हितों को आगे बढ़ाया। कांग्रेस के स्थापना के बाद के शुरुआती दशकों में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नरमपंथी नेताओं का बोलबाला था। इन नेताओं के अनुसार अंग्रेजों के साथ सहयोग करके देशवासियों के हक में बदलाव लाया जा सकता था। धीरे धीरे इनके विचारों का विरोध कांग्रेस के अंदर ही होने लगा। हालांकि इनके विचारों और आजादी पाने के तरीकों से बहुत लोग असहमत थे, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन नेताओं ने आजादी के आंदोलन को तेज करने के लिए एक सशक्त जमीन तैयार की। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने हमेशा देशवासियों के हितों के लिए अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव डालकर कानून में बदलाव लाने की कोशिश की। बैनर्जी सहित नरमपंथी नेताओं का गरमपंथी दल के नेताओं के साथ इस बात को लेकर मतभेद था कि गरमपंथी राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाकर भारतीयों को शासन का अधिकार दिला ना चाहते थे और इसके लिए वे हिंसात्मक तरीके भी अपना सकते थे। प्रारंभिक जीवन। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का जन्म 10 अगस्त 1848 को कलकत्ता में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अपने पिता दुर्गाचरण बैनर्जी के उदार व प्रगतिशील विचारों से बहुत प्रभावित थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा परिवार के पैतृक शिक्षा संस्थान हिंदू कॉलेज में हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद सन 1868 में वे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए इंग्लैंड चले गए। सन 1869 में उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, पर उम्र से संबंधित विवाद को लेकर उनका चयन रद्द कर दिया गया, पर न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वे एक बार फिर परीक्षा में बैठे और सन 1871 में दोबारा चयनित हुए। चयन के बाद उन्हें सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट बनाया गया, पर ब्रिटिश प्रशासन ने उन पर नस्ली भेदभाव का आरोप लगाकर उन्हें सरकारी नौकरी से हटा दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ वे इंग्लैंड गए, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान उन्होंने एडमंड बुर्के और दूसरे उदारवादी दार्शनिकों की रचनाएं पढ़ी। इससे उन्हें ब्रिटिश सरकार का विरोध करने में सहायता मिली। राजनैतिक जीवन। सन 1875 में भारत वापस आने के बाद वे मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन, फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन और रिपन कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए। इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय, उदारवादी, राजनीतिक और भारतीय इतिहास जैसे विषयों पर सार्वजनिक व्याख्यान देने लगे। 26 जुलाई 1876 को उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। यह भारत के सबसे शुरुआती राजनीतिक संगठनों में एक था। उन्होंने इस संगठन के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में भारतीय उम्मीदवारों के आयु सीमा के मुद्दे को उठाया। उन्होंने देश भर में अपने भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नस्ल भेद की नीति की घोर निंदा की और धीरे धीरे पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। सन 1879 में उन्होंने द बंगाली समाचार पत्र की स्थापना की। सन 1883 में जब अपने पत्र में छपे एक लेख जिसे अदालत की अवमानना माना गया के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया, तब बंगाल समेत देश के दूसरे शहरों जैसे आगरा, अमृतसर, फैजाबाद, लाहौर और पुणे में इसका घोर विरोध हुआ। धीरे धीरे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई और सन 1885 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कर दिया, क्योंकि दोनों संगठनों का लक्ष्य एक ही था। बाद में उन्हें दो बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, पुणे 1895 और अहमदाबाद 1902। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बंगाल विभाजन 1905 का पुरजोर विरोध करने वाले अग्रणी नेताओं में से एक थे। उन्होंने आगे बढ़कर आंदोलन में भाग लिया और विरोध प्रदर्शन और याचिकाओं का आयोजन किया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल विभाजन के फैसले को सन 1912 में वापस ले लिया। वे गोपाल कृष्ण गोखले और सरोजिनी नायडू जैसे उभरते नेताओं के संरक्षक भी बने। वे कांग्रेस के अंदर वरिष्ठ नरमपंथी नेताओं में से एक थे और उनका मत था कि अंग्रेजी हुकूमत के साथ सामंजस्य बैठाकर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। उनका विचार गरमपंथी दल से बिल्कुल विपरीत था, जो क्रांति के साथ साथ पूर्ण आजादी चाहते थे। वे स्वदेशी आंदोलन के बहुत बड़े प्रचारक और प्रवर्तक थे। उन्होंने लोगों से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का आग्रह किया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान नरमपंथी नेताओं के घटते प्रभाव ने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के प्रभाव को भी कम कर दिया। उन्होंने 1909 के मोले मिंटो सुधारों की सराहना की, जबकि देश के बड़े हिस्से और राष्ट्रवादी राजनेताओं द्वारा इसका घोर विरोध हुआ। उन्होंने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा जैसे राजनीतिक हथियारों से
भी सहमत नहीं थे। बंगाल सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने के बाद उनकी घोर आलोचना हुई और सन 1923 के चुनाव में वे स्वराज पार्टी के विधान चंद्र रॉय से हार गए और उनका राजनीतिक जीवन लगभग समाप्त हो गया। अंग्रेजी राज के समर्थन के लिए उन्हें नाइट की पदवी से सुशोभित किया गया। बंगाल सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने कलकत्ता नगर निगम को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया। भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माता, पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भारत में राष्ट्रवाद विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश के शासन में अधिक हिस्सा दिए जाने के लिए कई दशकों तक संघर्ष किया, पर बदलते समय के साथ राष्ट्रीय आंदोलन स्वाधीनता की मांग में बदल गया, जो सुरेंद्रनाथ की कल्पना से परे था। उनका अंतिम समय आते आते स्वाधीनता आंदोलन का स्वरूप बिल्कुल ही परिवर्तित हो चुका था, परंतु इसमें दो राय नहीं है कि उनका नाम उन नेताओं में शुमार है जिन्होंने देश में राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। मृत्यु। सन 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी के विधान चंद्र रॉय से हारने के बाद वे सार्वजनिक जीवन से प्रायः अलग रहे और 6 अगस्त 1925 में उनका निधन हो गया। तो ऐ थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की पूरी जीवन की कथा। अगर कोई वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।